मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी डोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो डोसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले फर्मेंट किया हुआ बैटर चाहिए। तो बैटर बनाने की विधि मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फर्मेंट किया हुआ बैटर जितना मुझे चाहिए उतना ले लिए हैं और बाकी का मैं फ्रिज में अब डाल दूंगी। ये बाकी का देखिए, और ये ले लिए हैं अभी। तो अब इस बैटर में नमक डाल लेते हैं। तो आधा छोटी चम्मच में डाल रही हूँ, इससे चार डोसे बनेंगे। नमक हमें थोड़ा ही डालना चाहिए बैटर में, क्योंकि हम जब डोसा खाते हैं तो सांभर के साथ अथवा किसी चटनी के साथ अथवा आलू भर कर बनाते हैं डोसा, तो उसमें भी नमक होता है, तो इसीलिए हम कम ही डालेंगे बैटर में नमक। तो अभी ये बैटर गढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 3-4 चम्मच डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए डाल लेते हैं पानी। पहले देखिए इस तरह का है, अभी बहुत गाढ़ा है, इससे डोसा पतला नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा 3-4 चम्मच पानी डाल लेते हैं इसमें, अब इन्हें मिला लेते हैं। डोसा के लिए हमें बैटर बहुत पतला और बहुत गाढ़ा भी नहीं चाहिए, इस तरह का बैटर चाहिए। यदि बहुत गाढ़ा होगा बैटर तो हम डोसा को बहुत पतला फैला नहीं सकते हैं, और यदि पतला बहुत होगा तो डोसा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह का बैटर चाहिए। तो आज मैं आपको डोसा 3 तरह की तवे पे बनाकर दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले ननस्टिक तवे पे बनाते हैं। तो तवा गर्म हो चुका है, इसमें करीब 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं और तेल को इस तरह से फैला लेंगे हम, इस तरह से कोई किचन पेपर की सहायता से अथवा किचन टॉवल की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे चारों तरफ, यानी तेल से ग्रीस कर लेंगे तवे को। तो देखिए मैंने कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हाथों से पानी छिड़केंगे ताकि टेम्परेचर पता चल सके तवे का। तो तवा परफेक्ट गर्म है, इसी तरह का हमें चाहिए तवा गर्म। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और एक गोल कलछी से एक कलछी इस तरह से डालेंगे बैटर, और डालते ही इस तरह से जल्दी जल्दी घुमाएंगे हाथों को। और देखिए बैटर को तवे पे डालते ही इनमें जाली आने लगे है, कितना बढ़िया, यही इंडिकेशन होता है परफेक्ट बैटर का। तो बस कलछी हटा लेते हैं। अब इनमें डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल, ऊपर से थोड़ा डाल लेंगे और चारों किनारों से भी चम्मच से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से जाली जाली में डाल देंगे तो नीचे तक चला जाएगा, और साइड साइड से भी थोड़ा सा, देखिए इस तरह से। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके कलर चेंज होने तक डोसा को हम सेक लेंगे। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है डोसा का, तो चेक करते हैं इस तरह से एक पैचुला की सहायता से। देखिए इस तरह से देखेंगे हम, यदि सिकाना ही होगा तो और टाइम देंगे सीखने के लिए, लेकिन ये सीख चुका है। देखिए इस तरह से, तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लें, अथवा आपको मसाला डोसा बनानी है तो इस वक्त मसाला आप भरे इसमें। आज मैं आपको प्लेन डोसा बता रही हूँ, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है डोसा का और क्रिस्पी भी बहुत है। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुन पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको एक डोसा और बनाकर दिखाती हूँ। तो इस पर दोबारा इस तरह से पानी छिड़केंगे, तेल लगाने की अब जरूरत नहीं है, बल्कि टिश्यू पेपर से एक बार पोंछ लेंगे ताकि डोसा का कोई भाग इसमें बचा ना हो, बैठा हो तो निकल जाएगा। अब इन पर डोसा बना सकते हैं। तो कलछी से पहले की तरह इस तरह से बैटर डालकर और हल्के हाथों से जल्दी जल्दी से गोल गोल घुमा लेंगे। तो डोसा फैला चुके हैं, अब इनके ऊपर तेल डालेंगे पहले की ही तरह चम्मच से। और डोसा बनाने के लिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, बिल्कुल हाई मत कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से जल जाएंगे डोसा और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए इनका भी कलर चेंज होने देते हैं। तो लीजिए कलर चेंज हो चुका है, देखिए देखने से ही पता चल रहा है, और देखिए अपने आप एक किनारा छोड़ देता है डोसा, बिल्कुल चिपका नहीं है, पहले वाले भी नहीं चिपका था और ये भी वाले भी नहीं। तो चलिए इन्हें भी रोल कर लेते हैं। देखिए इसका भी कलर, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, पहले वाले से भी ज्यादा कलर अच्छा आया है इसका, बिल्कुल बाजार की तरह, कहे तो बाजार से भी ज्यादा अच्छा है। तो चलिए इन्हें भी साइड में रखते हैं
और अब आपको जितने बार डोसा बनाने हैं आपको पानी इस तरह से छिड़कने हैं और टिश्यू पेपर से एक बार पोंछ देने हैं और फिर बैटर इस तरह से जिस तरह से हम डाले हैं इसी तरह से डालकर और गोल घुमाकर बना लेंगे। तो अब हम लोहे की तवे पे बनाने जा रहे हैं डोसा। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, जो ये तवे है ये बहुत पुराने हैं, इसी पर मैं रोटी बनाती हूँ और बहुत पतले हो चुके हैं तो इस पर डोसे जलेंगे। और मेरे पास दूसरे लोहे का तवा नहीं है तो इसीलिए मैं इस पर आपको दिखाती हूँ बनाकर। यदि आप लोहे की तवे पे बनाना चाहते हैं डोसा तो अलग से रखें और मोटे लेयर का रखें तो बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं लोहे की तवे पर भी। तो चलिए मैं इसी तवे पर बनाकर दिखाती हूँ। तो तवा गर्म हो चुका है, इस पर एक चम्मच तेल डाल लेते हैं और कपड़े से अथवा टिश्यू पेपर से इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। अब एक प्याज के टुकड़े को तेल में डुबाकर इस तरह से चारों तरफ एक लेयर लगाएंगे इसका, ये करना जरूरी है लोहे के तवे पर, तभी डोसा चिपकेगा नहीं। आप चाहे तो आलू के टुकड़े से भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए आलू छिलकर और काटकर इसी तरह से लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर पानी छिड़केंगे तो तवा गर्म है, परफेक्ट है। गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और कलछी की सहायता से, इसमें एक कलछी नहीं डालेंगे क्योंकि तवा छोटा है, एक कलछी से थोड़ा कम डालेंगे बैटर और इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे पहले की ही तरह। अब गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि तवा बहुत पतला है और डोसे में जाली आने देते हैं। तो जाली आ चुका है, लाइट के कारण से नहीं दिख रहा है देखिए। तो अब इसमें तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा ऊपर से और साइड साइड से भी। अब इनका कलर चेंज होने देते हैं। तो देखिए डोसा का कलर बीच से चेंज हो गया है और साइड साइड से नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसे घुमा लेंगे क्योंकि ये तवा बहुत पतला हो चुका है, इसीलिए बीच से जल गया लग रहा है और साइड से हुआ ही नहीं है। यदि मोटा होता तो जिस तरह से हम नॉनस्टिक तवे पर बनाए हैं उसी तरह से बनता ये। तो अब साइड से भी डोसा का कलर चेंज लग रहा है, लेकिन डोसा तवे को छोरा नहीं है जिस तरह से पहले नॉनस्टिक में छोरा था। तो अब इस तरह से हम इस तरह पचोड़ा को एक पानी में डिप करेंगे और इस तरह से खोलने की कोशिश करेंगे, साइड छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये हो रहा है, तो इस तरह से करके चारों तरफ से अलग कर लेंगे। तो अब इन्हें फोल्ड करते हैं और देखिए बीच से डोसा जल गए हैं, चारों तरफ से ठीक है और बीच से जल गए हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है कि तवा बहुत पतला है। यदि आप मोटे तवे पे बनाएंगे तो नहीं होगा। तो चलिए इन्हें साइड कर लेते हैं और डोसा उतने ही क्रिस्पी बनाए हैं जिस तरह से पहले हम बनाए हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए तो सुना आपने कितना क्रिस्पी है डोसा। तो चलिए मैं आपको अब इस तवे पे बनाकर दिखाती हूँ, जो नॉनस्टिक है लेकिन है नया, मैं इसको एक दो बार ही यूज किए हैं। तो चलिए इस तवे पे बनाते हैं डोसा। तो तवा पर तेल रख लेते हैं पहले की तरह एक चम्मच और टिश्यू पेपर से इस तरह से फैला लेते हैं। अब तवा के ऊपर पहले की ही तरह पानी डालेंगे, छिड़केंगे। तो तवा परफेक्ट गर्म है, तो गैस का फ्लेम लो कर लेते हैं और पहले की ही तरह एक कलछी बैटर डालेंगे इसमें और इसी तरह से गोल गोल घुमा लेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इनमें जाली आने देते हैं डोसा के ऊपर। तो जाली आ चुका है देखिए। अब इनके ऊपर इस तरह से ब्रश की सहायता से अथवा चम्मच की सहायता से जिस तरह से पहले रखे थे उस तरह से भी रख सकते हैं अथवा इस तरह से ब्रश की सहायता से रख सकते हैं। इस तरह से एक दो डरप तेल गिरा देंगे जाली में तो अंदर तक चला जाएगा तेल। तो ऊपर से हो गया, अब साइड से लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो बस हो गया। अब डोसा को मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक पकने देते हैं। तो देखिए डोसा का कलर चेंज हो चुका है लेकिन डोसा पैन को नहीं छोड़ा है, जिस तरह से हम पहले नॉनस्टिक पैन में बनाए थे और डोसा अपने आप छोड़ दिया था पैन को, उस तरह से नहीं छोड़ा है। तो चेक करते हैं, तो पैचुला को पानी में डिप करके और इस तरह से देखते हैं निकलता है कि, तो ये नहीं निकल रहा है और नॉनस्टिक बर्तन है तो इसे हम जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे ये बर्तन। तो इस तरह से ब्रश की सहायता से इस तरह से साइड से थोड़ा सा पानी लगाते हैं
ताकि सॉफ्ट हो साइड से और छोरे। तो एक बार फिर से पैचुला लगा कर देखते हैं, तो देखिए ये साइड छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये चिपक गया है, ये नहीं निकलेगा। इसे तो हम बल्ब भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो बर्तन ये बिगड़ जाएगा, नॉनस्टिक बर्तन खुरच जाएगा। तो छोड़ देते हैं। अब इन्हें खुरच कर बिल्कुल नहीं निकालेंगे और नहीं तवे को खुरच कर साफ करेंगे, तो इन्हें ठंडा होने देते हैं पूरी तरह से। फिर इनमें हम पानी डालेंगे और गर्म करेंगे तवे को फिर से, और गैस का फ्लेम अप करके आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे पानी तवे में, तो फूल जाएगा अपने आप सफा हो जाएगा, तो साफ कर लेंगे बाद में। तो इन्हें छोड़ देते हैं अभी। तो आप समझे इस तवे पे डोसा की चिपके, क्योंकि ये तवा नया था, मैं इसको अभी यूज नहीं किए हैं बहुत बार। नए तवे पर डोसा चिपकते ही है, चाहे लोहे का हो या ननिस्टिक का। तो नए तवे को पहले 10-15 रोज रोटी पराठे पकाने के काम में ले लेंगे, तो नहीं चिपकेंगे बाद में डोसा बनाएंगे तो। तो चलिए अब डोसा को सर्व करते हैं। तो लीजिए मैंने डोसा को सर्व कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं डोसा अभी भी वैसा ही क्रिस्पी है, सगी बिल्कुल नहीं हुआ है। कैमरा इधर से उधर करने में, वीडियो बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो डोसा को मैंने सांबर, हरी चटनी, नारियल की चटनी और सॉस के साथ सर्व किए हैं। आप चाहे तो किसी मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और यदि आपको सांबर की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और सॉस का, हरी चटनी का और नारियल चटनी का रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, आप ज़रूर देखिएगा वो। तो आप ये डोसा बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।